गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम मेरे फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपण विधि हम पर स्टडी कर रहे हैं उसमें शाही धब्बा परीक्षण या जिसे रोशा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, तो उस परीक्षण का ये फोर्थ पार्ट है। हमने फर्स्ट वीडियो में इस परीक्षण का परिचय, सेकेंड पार्ट में इसका प्रशासन और थर्ड पार्ट के अंदर अंकन की जो प्रोसेस है परीक्षण के मूल्यांकन के अंतर्गत वो स्टडी किया। तो अंकन के लिए रोशन महोदय ने जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी अनुक्रियाओं और उत्तरों के आधार पर उसकी अनुक्रियाएं और उत्तर को कुछ चिन्हों के द्वारा उन्होंने अंकित किया, जो हमने पूर्व के वीडियो में स्टडी की है। अब आज हम परीक्षण के मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षण की व्याख्या, विश्लेषण और निष्कर्ष के बारे में स्टडी करेंगे। तो रोशन महोदय ने जो जो भी परीक्षण करता है वो परीक्षण करता परीक्षार्थी की अनुक्रियाएं और उत्तरों का अंकन करने के पश्चात तो उसने कितनी अनुक्रियाएं कितनी बार की है, यानी परीक्षार्थी ने कितनी अनुक्रियाएं कितनी बार की है, उसका एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उन्होंने एक सारणी का निर्माण किया। वो सारणी इस व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है। उस सारणी के अंतर्गत उन्होंने जो व्यक्ति की विशेष चिन्हों के आधार पर जो चार वर्गों में उन्होंने अनुक्रियाएं और उत्तरों को बांटा था, उसमें सबसे पहला था स्थिति, दूसरा था विषय वस्तु, तीसरा था मौलिकता और चौथा था निर्धारक तत्व। अब इन चारों तत्वों के अंतर्गत जो परीक्षार्थी अनुक्रियाएं देता है, उत्तर लिखता है, उस अनुक्रियाएं और उत्तरों को उन्होंने कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा बताया गया था पिछले वीडियो में। अब इस सारणी के अंतर्गत इन्हीं निर्धारक तत्व जो है या फिर विषय वस्तु है, जो हमारे चार वर्गीकरण है, उन चार वर्गीकरणों के विशेष चिन्हों के आधार पर ये सारणी इस प्रकार से बनाई जाती है, जिसमें परीक्षार्थी द्वारा जितनी बार भी उसके से संबंधित अनुक्रियाएं या उत्तर होते हैं उसमें हम फ्रिक्वेंसी यानी हमारी जो इंग्लिश में जैसे बारंबारता बोलते हैं, तो इस बारंबारता चिन्हों को अंकित किया जाता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे जो परीक्षार्थी है उन्होंने मानव को देखा, यानी वो मानव क्या हुआ, उसकी विषय वस्तु हो गई, तो यह अनुक्रिया एक लिख दी। और मानव ने सफेद कलर के वस्त्र पहने थे, तो यह कलर में एक अनुक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से मिश्रित अनुक्रिया भी होती है, ठीक है, जिसमें हम दो वर्ग एक साथ ले सकते हैं, जिसमें एक नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा वो मिश्रित वर्ग का बनेगा। तो मिश्रित वर्ग की जो भी अनुक्रियाएं होगी इन चारों कैटेगरी के अंदर जो भी कंबाइंड अनुक्रियाएं हो रही है इन चिन्हों के आधार पर, तो उन चिन्हों को एक साथ मिश्रित वर्ग में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो भी है, अगर जो परीक्षार्थी है वो पूरी विषय वस्तु को देख कर भी अनुक्रिया करता है तो वन लिखेंगे, मतलब वन सिंबल द्वारा इसकी आवृत्ति को हम लिखेंगे। इस प्रकार पूरे 10 कारों को परीक्षार्थी के सामने क्रम से हम दिखाने के पश्चात उसने जो जो भी अनुक्रियाएं अपने शीट में लिखी है उन अनुक्रियाओं के आधार पर ये हम सारणी में फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। और फ्रीक्वेंसी तैयार करने के बाद हम जब ये एनालिसिस करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा किस सिंबल की अधिकता है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के गुणों का हम व्याख्या कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी कॉलम है, ये कॉलम है सारे, इन कॉलम में जो है कितनी बार आवृत्ति को दोहराया गया है, तो जितनी बार इसमें जैसे एक 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 ये इस तरह से हम ये आवृत्ति जितनी बार दोहराई जाएगी उतनी ही उस जो कैटेगरी है उसकी अधिकता होगी, और उसी कैटेगरी की अधिकता के आधार पर उसके व्यक्तित्व के जो गुण है, विशेषताएं हैं, उनकी हम व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। अब जैसे W, अब जब W की अधिकता हो
यानी इस W W की अधिकता होने पर, अभी अधिकता किससे होगी, D एंड स्मॉल D, तो इन दोनों से जब W की अधिकता होगी तो से तो वो व्यक्ति का गुण क्या होगा, वो व्यक्ति में व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान और परिपक्व होगा। इस W की अधिकता होगी किससे, D और स्मॉल D से, तो व्यक्ति की जो विशेषता होगी या गुण होगी वो होगा वो व्यक्ति बुद्धिमान और परिपक्व होगा। इसी प्रकार अगर सी जो चिन्ह है वो अधिक होगा, अधिक यानी इस फ्रीक्वेंसी तालिका में अधिक होगा, तो अधिक होगा अब किससे अधिक होगा, तो सी जो चिन्ह अधिक होगा एम से, तो व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होगी व्यक्ति बहिर्मुखी होगा। बहिर्मुखी होगा। इसी प्रकार से यदि एम की अधिकता होगी, अधिकता किसकी, इस फ्रीक्वेंसी की अधिकता होगी सी से, तो व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी होगा। तो इस प्रकार से हम इन चिन्हों में आवृत्ति की अधिकता से व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण और व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और चिन्ह है, यदि के, अब ये के जो निर्धारक तत्व के अंतर्गत आता है के, अब के की ये अधिकता होगी के की अधिकता होने पर व्यक्ति चिंतित निराशावादी चिंतित और निराशावादी होगा। इसी प्रकार से एम चिन्हों की अधिकता होने पर, एम की अधिकता होने पर व्यक्ति कल्पनाशील, व्यक्ति कल्पनाशील होगा। यानी इस प्रकार से जिस चिन्ह में आवृत्ति की अधिकता हो उसी के अनुरूप उसके जो व्यक्तित्व के गुण निर्धारित होते हैं या उनका पता चलता है। और इसकी एक बार मैं पुनः स्पष्टीकरण कर देती हूँ कि जिस चिन्ह की अधिकता यानी W चिन्ह की अधिकता होगी D और स्मॉल D से, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान और परिपक्व होगा। इसी प्रकार C की अधिकता होगी M से, तो व्यक्ति बहिर्मुखी होगा। और अगर M अधिक होगा C से, तो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा। A की अधिकता होगी तो व्यक्ति चिंतित निराशावादी हमेशा तनावग्रस्त समस्याग्रस्त रहने वाला होगा, और M की अधिकता होगी तो वह व्यक्ति कल्पनाशील होगा। तो इस प्रकार से हम इस सारणी के आधार पर परीक्षार्थी या व्यक्ति द्वारा जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी अनुक्रियाएं और उत्तरों की आवृत्ति के आधार पर इन विशेष चिन्हों के माध्यम से व्यक्तित्व के गुणों का आकलन कर सकते हैं। अब मॉर्गन महोदय ने भी मॉर्गन के अनुसार उपर्युक्त ये जो ऊपर अभी हमने सामने देखी थी उस उपर्युक्त प्रकार से अनुक्रिया
करने पर परीक्षक व्यक्तित्व संबंधी कुछ लक्षणों का पता निम्नलिखित संकेतों के द्वारा करता है। अब वो संकेत कौन कौन से हैं जिसके द्वारा वो व्यक्ति की अनुक्रियाओं का पता चलता है? इसमें एक पूर्ण अनुक्रियाएं, अब व्यक्ति अगर पूर्ण अनुक्रिया करता है पूरी, तो उसके जो लक्षण है सूक्ष्म और सैद्धांतिक लक्षणों की सूचना। तो जब व्यक्ति पूर्ण अनुक्रिया करता है जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, तो उस पूर्ण अनुक्रिया के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति सूक्ष्म है और सैद्धांतिक जो विशेषताएं हैं उससे युक्त है। दूसरा, अगर छोटी अनुक्रिया करता है, तो छोटी अनुक्रिया का मतलब हुआ कि उलझनों को स्पष्ट करता है। यानी छोटी अनुक्रिया का मतलब है व्यक्ति मानसिक रूप से इस प्रकार बिहेव कर रहा है छोटी छोटी अनुक्रियाएं करके, तो उसके मस्तिष्क में कुछ उलझनों की स्पष्टता को दर्शाता है। सीख है गति अनुक्रिया। अगर कोई गति अनुक्रिया व्यक्ति करता है, तो इस गति अनुक्रिया का मतलब है कि व्यक्ति अंतर्मुखी है, तो अंतर्मुखता की ओर व्यक्ति का झुकाव होता है। तो इस प्रकार गति अनुक्रिया जो है व्यक्ति को अंतर्मुखी दर्शाती है मॉर्गन महोदय के अनुसार। और चौथा उन्होंने जो अनुक्रिया बताई वो है रंग अनुक्रिया। अगर किसी रंग को देख करके वो अनुक्रिया करता है, तो वह स्वतंत्र संवेगात्मक प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इन चार व्यक्तित्व संबंधी अनुक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों और गुण का पता चलता है, जो मॉर्गन महोदय के अनुसार है। अब क्रो एंड क्रो ने भी धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण
चित्र प्रस्तुत कर देता है। यानी क्रो एंड क्रो महोदय ने जो विश्लेषण और व्याख्या के बारे में बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि जिस परीक्षार्थी पर हम धब्बों का परीक्षण का टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो धब्बों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्रण हमें प्रस्तुत कर देता है। यानी धब्बों के माध्यम से जो वो अनुक्रियाएं करता है, उत्तर देता है, उससे उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। अब हम इस परीक्षण में उत्तरों का जब विश्लेषण करते हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो उत्तरों के विश्लेषण में ध्यान योग्य बातें, तो उत्तरों के विश्लेषण में सबसे पहले जिन बातों का हमें ध्यान रखना है वो है कि चिन्हों की संख्या, यानी जो रोशार्क महोदय द्वारा वर्गीकरण किया गया है स्थिति का, मौलिकता का, निर्धारक तत्वों का और विषय वस्तु के जो चिन्ह है, उन चिन्हों की संख्या का हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है व्यक्ति द्वारा प्रत्येक चित्र, यानी चित्र क्या है हमारे कार्ड, तो प्रत्येक चित्र या कार्ड के लिए लिया गया समय, तो कितना समय एक कार्ड का के प्रति वो अनुक्रिया या उत्तर देने में समय लगा रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें व्यक्ति का व्यवहार, तो जब हम उस व्यक्ति का परीक्षण कर रहे हैं तो उस परीक्षण के दौरान व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात आती है कि इसमें व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, और इसके बाद आती है व्यक्ति की मानसिक संवेगात्मक सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो जब भी हम इस रोशार्क परीक्षण का यूज करें, या तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए परीक्षण के दौरान के व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव है, साथ ही उसकी जो मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, आर्थिक स्थिति और कार्य के लिए वो कितना समय ले रहा है, और चिन्ह जो अप्रोप्रिएट कैटेगरी के आधार पर दर्शाए गए हैं, उन पूरे चिन्हों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, हम उसका पूरा चिन्हों का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, और उसकी कोई भी ऐसी अनुक्रिया या उत्तर है जो हाव भाव के रूप में भी अगर वो दर्शा रहा है तो वो मिस ना हो जाए, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष को मैं यहाँ लिखती हूँ कि निष्कर्ष के अंदर हम इसे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं इसे भी। तो निष्कर्ष सबसे पहला कि ये जो है ये व्यक्तित्व मापन का उत्तम परीक्षण है, उत्तम परीक्षण है, क्योंकि इसके द्वारा पर्सनैलिटी का हम सटीकता से आकलन या मूल्यांकन करके उसके गुणों का पता लगा सकते हैं। दूसरी बात है इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत व्यक्ति की इच्छाओं इच्छाओं भावनाओं आकांक्षाओं आकांक्षाओं बुद्धि सामाजिकता सामाजिकता अनुकूलन अनुकूलन अभिवृत्ति अभिवृत्ति संवेगात्मक संतुलन संतुलन व्यक्तिगत विभिन्नताएं आदि का इसके अंतर्गत परीक्षण किया जाता है। और ये परीक्षण जो है उसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक तो कर ही सकते हैं, साथ ही शिक्षक है, मनोचिकित्सक है, रिसर्चर है यानी शोधार्थी है और निर्देशक है। तो जो भी व्यक्ति इस संबंधित एरिया से जुड़ा हुआ हो तो वह व्यक्ति इस रूषा परीक्षण के कार्ड्स के माध्यम से व्यक्तित्व के गुणों का परीक्षण कर सकता है। साथ ही इस परीक्षण के लिए तभी इसको अप्लाई करना चाहिए जब इसमें आप पारंगत हो, यानी इसका प्रयोग करने में आपके अंदर कुशलता हो, साथ ही आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है, क्योंकि प्रशिक्षण के बगैर हम इस रोषाशाही दब्बे परीक्षण का जो है प्रयोग नहीं कर सकते। और साथ ही इसके अंदर अगर हम प्रयोग करें तो सुयोग्य व्यक्ति द्वारा ही उसकी गाइडेंस में ही हम अगर प्रयोग करें जिसको पूर्ण इसकी जानकारी हो, इसके सभी जो एरियाज है इस परीक्षण के, उस परीक्षण को किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से अंकन करना है, किस प्रकार से विश्लेषण करना, इन सब बातों पे जिसको जानकारी हो, विशेषज्ञ हो, मनोवैज्ञानिक हम जिसे कह सकते हैं, उसी के ही अंडर गाइडेंस में रह करके अगर हम इस परीक्षण का प्रयोग करें तो हम सफलतापूर्वक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का पता लगा सकते हैं। इसलिए ओवरऑल कहा जा सकता है कि ये रोषा द्वारा शाही दब्बा परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व के गुणों का सफलतापूर्वक मापन करता है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है आप लोगों का, इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि शाही धब्बा परीक्षण की व्याख्या विश्लेषण तथा निष्कर्षों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में जो भी कंटेंट नॉलेज दी गई है उसके आधार पे करना है। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए और इससे संबंधित वीडियोस क्लिपिंग और मैसेजेस वगैरह लोगों को अवेयर करने के लिए आप सेंड कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।